गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज सोचोगे कि मैं यहाँ से क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई हूँ मम्मी के पास, तो आज मैं क्या राधिका अम्बानी का जो वेडिंग लुक था ना वो रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए ज्वेलरी लेने में मम्मी के पास आई हूँ, और ये है हमारे कान्हा जी का आज का श्रृंगार। देखो व्हाइट कलर की पोशाक पहनी, बहुत सुंदर लग रहा है। भानु को जाके ये दर्शन ही करवा दे, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और मैं देख रही हूँ ये कमरा टस से मस नहीं होता ना, एक सलवट आती है यहाँ पे बिस्तर पे। तो सफाई रखते हैं, तो सफाई तो रखते हैं, तो कभी इसको यूज भी तो कर लो। यूज करते हैं, कोई नहीं सोया आज तक, क्या कोई नहीं सोया ना? अभी अभी बेटा हम नीचे सो रहे हैं। सही बात है, ऐसे बोले गर्मियों में नीचे सोएंगे, सर्दियों में ऊपर। देखना तेरे को वैसा अंबानी की बहू ने पहना। अच्छा, ओ माय गॉड, जैसा अंबानी की बहू ने पहना था बिल्कुल ही वैसा। ले भाई, अच्छा आप लेके आए थे क्या उसका जैसा? नहीं मेरे पास है। लाओ भाई वो फोटो, फोटो चाहिए पहले मेरे को, निकाल फोटो दिखा। ये देखो ये है, इसने ऐसा पहना। एक तो ये लंबा वाला पहना, ये तो शायद नहीं होगा आपके पास, लेकिन ये वाला मिल सकता है। देखना ये वाला, मैं दोनों दिखा देती हूँ तेरे को। दुकान खोल के बैठी, दुकान खोल के बैठी है ज्वेलरी की, देखते हैं क्या मिलेगा। ये तो नहीं है, एक एक करके दिखा। असली है नकली आंटी है, सब बता दो अभी तो। सब असली है, नकली सारे असली थोड़ी है कोई। नहीं सारे नहीं, एक तो ये वाला है यार। लग तो सुंदर रहा है ये, है मम्मी और, लेकिन इसके जैसा नहीं है। देखो लो ये वाला। नहीं यार मम्मी, इससे कहाँ जाएगा, है तो ग्रीन, लेकिन ग्रीन ऐसा नहीं, ये जड़ाऊ वाली है। ना 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 नो, दिखाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे ये जड़ा हुआ लिया, लेकिन ये सेम नहीं, मतलब ये इसका जड़ा हुआ, ये नहीं है। नहीं तो इतना सेम तो बेटा थोड़ा ना मिलेगा, तो कुछ तो दो यार। ये लंबा वाला है, इसके साथ में ये लंबा। ओ ये लंबा वाला है यार। मम्मी पास आपके पास कुछ ऐसा नहीं, देखो ये थोड़ा राजपूती वो दे रहा है, ऐसा तो होना चाहिए आपके पास। वो तो फिर अरे राम देख तो सही है, पूरी ज्वेलरी पड़ी। क्या करती है ज्वेलरी का ये मम्मी? नीचे पूरा ये भरा पड़ा, वो भरा पड़ा। आंटी यार गाइस आप सब भी दर्शन कर लो कान्हा जी के, इन्होंने आज व्हाइट पोशाक पहनी है। गाइस जो ज्वेलरी मेरे को चाहिए थी उसमें से मेरे को हाथों की और ये तो मिल गई, लेकिन मेरे को गले का वैसा नहीं मिला। तो अब भानु और मीकू को मैं भेजूंगी, क्योंकि तब तक मैं रेडी होंगी, मेरी ड्रेस आएगी, अगर मैं चलेगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तो अभी मीकू जाएगी मेरी ज्वेलरी लेने के लिए, और फिर हम करेंगे लुक रिक्रिएट। और मैंने इस बार देख रही हूँ सुयश फैशन पे भी मैं बनाने वाली हूँ वीडियो, तो सूरज का रिएक्शन वहाँ पे जरूर आएगा, एंड यहाँ पे तो आपको मजा आने ही वाला है। हम दोस्तों ने सुबह तक जगराता किया बढ़िया भूतों के साथ और अभी जस्ट है ना हम लोग ये थोड़ा बहुत मतलब सब घर गए अपने, वापस से आना शुरू हो गए, तो एक एक जना अपना एकदम रूप चेंज कर गया है। गंदे लग रहे थी भाई, अच्छा लग रहा हूँ इस्मान, मम्मी बोल रही थी लड्डू गोपाल बोल रही थी मुझे। हाय मम्मी को अपना बच्चा लड्डू गोपाल ही लगता है। ओ इंच टेप लिया या गाइस, सुना रहा था ना सुबह पहले गाइस, अब जो है नहीं बताएंगे बता के करें क्या भाई साहब, स्टेप ही भूल जाते बार बार। यस गाइस अब ये हम बाइसेप वाइसेप नाप के रखेंगे, इसलिए इंच टेप लेकर आए ताकि अब हमारी प्रोग्रेस चेक कर सके हम लोग, और बस इतना ही, आगे नहीं बता सकती। आंखें ऐसी कैसी हो रही, सो क्या है पागल हो क्या, 12 बजे तक तो सो लियो, अभी तो सो रहे 12 बजे भाई। आज दोस्तों हम लोग अभी उठे थोड़ी थोड़ी देर पहले, सूरज ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे, 3 घंटे तक 9 बजे उठा मैं सोया, 3 घंटे तक सपना आया, फिर 11 बजे मम्मी का कॉल आया। सबके सबके पास सपने सपने आए, सबने अलग अलग सपने देखे, बेहतर एकदम भूत के सपने आए थे जिसमें अपन सब इंक्लूड थे। मेरे को तो कोई भूत का सपना ना आया भाई, मेरे को पता है क्या सपना आया, मैं तो कार की डिलीवरी ले रहा हूँ सपने के अंदर। अब देख तेरे सपने से कुछ नहीं होगा, जब तक सर को सपना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। यार मेरे दोस्त को आ जाता ना सपना तो पक्का मेरे पास मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग चल रही होती। कहाँ गए बाकी सब? कहाँ गए सब गए यार। रितेश भैया सुनो यार, आपकी मम्मी ने आपको लड्डू गोपाल तो बोला, लेकिन मुझे ये समझाओ कि आपने नाई को क्या बोला, क्या करना है? नाई की नहीं, मैं खुद ही कर लिया। खुद ही कर रहे हो? हाँ तभी तो करके आया ना, तभी तो इतनी बुरी लग रही है भाई यार, अभी बाल लग रहे हैं गले के ऊपर। मम्मी तो सब यही चाहती है कि बच्चे बाल बाल कटा कुटू के सीधे सिंपल से बने, सीधे सिंपल रहे भाई। मेरे तो दादाजी को एकदम ऐसी कटिंग पसंद थी, एकदम बेसिक, यहाँ कान के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए, ठीक है एकदम कलम सेट, इसको कलम बोलते ना, ये एकदम सही सेट होनी चाहिए, कोई डिजाइन विजाइन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, तो कुछ ऐसे नहीं। अबे सुन तो, बचपन में ऐसे कराते थे अब, लेकिन मुझे था ऐसे यार कुछ तो अतरंगी होना चाहिए,
अब एक बार मैं सीटू चाचा को ले गया कि चलो 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 जल्दी दादाजी लेके जाएंगे, तो वो दादाजी मुझे क्या करते थे, गंजा करा देते थे यार। वो इतने छोटे छोटे बाल करते थे, अरे गर्मी है छोटे कर ले बाल, बड़े नहीं होने देते थे। फिर मैं उनके चाचा के साथ गया और हल्के हल्के से कटवा के आया, बोले थोड़े 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 थोड़े, अरे मैं भाई साहब ऐसे फुल फॉर्म में आया घर के अंदर, ठीक है, दादाजी देखते गाड़ी चालू, मैंने बोला उन्होंने कराए, वो भाई साहब वो कूलरों के पीछे छुप रहे चाचा पूरे दिन, दादाजी को देखे दादाजी सब डरते थे। चाचा की जो बैंड बजवाई, चाचा ने बोल दिया चाचा ने मेरे साथ जोड़ लिया, भाई साहब तेरे को तो मैं कहीं नहीं लेके जाऊं। मेरे साथ क्या होता था, हमारी तो नानी की दुकान ही थी नाई की, मतलब जो दुकान थी ना किराए पे नाई को दी हुई थी, हर संडे ले जाती थी, पाटा बिछाती थी, इसकी तो कटोरा कटिंग कर दो और उसके अलावा कुछ करने ही नहीं देती थी। मैं कि हमें बाल कटाए, पापा चिल्लाने लग गए बैंक, बोले बेज कटिंग करा के, बेज अब मुझे पता ही नहीं बेज कौन सी होती कटिंग। मैं जाके बोल दिया नाई को, मैं बोला भाई सब कर दो, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने पता क्या करा, यहाँ से पूरा उस्तरा लगा दिया, यूं ही कर दी पूरे से। मैं आया बाहर घर से, घर के अंदर आया, ये क्या करा गया है आपने, तो बोलता बेज कटिंग ऐसे थोड़ा ना होती, बेज कटिंग चल दोबारा नाई के, दोबारा ले गया गंजा करा ला। एक और चीज मैं बताता हूँ, गर्मियों की छुट्टी चालू होते ही उनको दादाजी को पता था अब तो स्कूल जाएगा नहीं, ले आ चलते को टॉफी दिला लाऊं। टॉफी दिलाते थे, नाई की दुकान में बैठ जाते थे, एक टॉफी हाथ में पकड़ाई, चॉकलेट हाथ में पकड़ाई, मैं खा रहा हूँ और नाई, और देखो सलमान खान बनाऊंगा सलमान खान, ऐसे बोल के सारा सब साफ। और फिर घर पे आगे मम्मी से चाटे और खाओ, गंजा होकर क्यों आ जाता भाई। मीकू वो एक नंबर की वो थी, कराती ही नहीं थी कटिंग, वो जो था ना नाई वो बेचारा परेशान, एक घंटा लगता था उसकी कटिंग करने में, कभी इधर होए कभी उधर होए कभी इधर होए, भाई पागल कर देती, वो पाटे पे भी नहीं बैठ पाती थी यार। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बोले मुझे पाटे पे नहीं, मुझे सीट पे बिठाओ, लकड़ी के पाटे पे बैठा देता था यार भाई साहब। गाइस मेरा अमानी सॉरी राधिका मर्चेंट का मेकअप लुक तो मैंने कर लिया, और बहुत ही सिंपल मेकअप लुक था, ऐसा कुछ अलग नहीं था, बस सिंपल सी आंखें, बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज हुआ है, मतलब स्किन पे भी बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज हुआ है। एक सबसे स्टेटमेंट चीज जो मतलब इस पूरे मेकअप में है वो है यहाँ के रेड लिप, तो मैंने रेड लिप्स कर लिए हैं, और होना तो मेरा लहंगा व्हाइट चाहिए था जैसे कि राधिका मर्चेंट का था, पर ये हितेश जी की वजह से मुझे पिंक कलर का लहंगा आपके लिए, बट मुझे मतलब ये लहंगा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, इसमें वही रेड है व्हाइट की जगह थोड़ा पिंक है, लेकिन क्या करें यार प्रॉपर व्हाइट नहीं मिल पाया, बट ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है और इसकी ज्वेलरी भी बहुत सुंदर आ रही है, जैसे उन्होंने ग्रीन एमरल्ड वाली पहनी थी वही आ रही है मेरी, और मैं लूंगी सूरज का रिएक्शन और मैं बनाऊंगी वीडियो, सूरज शासन पे आ रहा है उसका फर्स्ट रिएक्शन, उस पर आएगा, बाकी तो आप व्लॉग में देख ही लोगे। सो दोस्तों चांद से आई सुंदर कोकिल कंटिल अप्सरा, इसका आता भी नहीं ढंग से डायलॉग, मैंने जो स्वर्ग से उतरी कोकिल कंटिल अप्सरा लग रही हो, ऐसे बोला स्वर्ग से, मैं भूल गया कहां से आ रही है, तो कंटिल ही तो बोलते हैं, कंटी मैंने कंटिल बोला है, अरे यार हाय ब्यूटीफुल, बस खत्म गेम। गाइस मैंने किया राधिका मर्चेंट का लुक रिक्रिएट, और उनका लहंगा व्हाइट था, मेरा पिंक है, उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे यही मिला लास्ट मिनट, बट मैंने ज्वेलरी पूरी वैसी ही करने की कोशिश की है, और इसका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो सुयश पे जा चुका, सुयश फैशन पे जा चुका, तो आप जाके देखना, जल्दी से बता दो कमेंट करके कैसे लग रहा है भाई। मैंने इतना सब कुछ जीवन में पहली बार पहना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बस 5 मिनट ही पहन पाऊंगी, जाके फट से उतार दूंगी, बहुत जान निकल रही है भाई, भगवान जाने भाई लेडीज कैसे पहन के खड़ी है, काला तेरे काजल से निकाल के काला टीका लगा दिया, ठीक है ओके, अब नजर नहीं लगी, और नजर उतारनी पड़ेगी इसकी एक बार, मेरी नजर लग गई इसको, मर गई वो, और बार गर्मी लग रही है, शुक्रिया दो, शुक्रिया शुक्रिया, खाना वाना खा के जाना। भाई गाइस मम्मी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, अच्छा चाय दे यार, हमारे को चाय पानी तो पिला दो कम से कम यार, कभी हमें भी तो दे दिया करो, तो देखो हमने एक को तैयार करा है, एक लहंगा मंगाया हमने, बताओ कैसा लग रहा है, ये देखो सोनी लगी, सही बात है, सोनी लगी, अच्छी लग रही है, ये देखो ज्वेलरी, देखो ज्वेलरी सुंदर लग रही है, कहाँ कर से मंगाई है, कहाँ से मंगाई आपको, क्यों बताया, क्यों बताया आपको, फोन कर ली भी ना, अच्छी लग रही है बेटा, बड़ी लग रही है ना, ओके शुक्रिया, देखी हुई है मेरी ज्वेलरी, अच्छा अच्छा देखी हुई है, ठीक सब देख रखा है भाई, एक अलमारी भर रखी ज्वेलरी से, आप देख सूरज ने पूरी अलमारी भर रखी ज्वेलरी से, अब ये भी वहीं जाएगी मेरे को लग रहा है, नहीं ये नहीं जाएगी, डैडी ने दिखाऊं, लो डैडी को दिखाऊं, लेट सूरज आ जा, एक मिनट रुक जा सुसु गया, एक मिनट रुक जा, अरे तो ऐसे बता रही क्यों, तो क्या टॉयलेट गए, कोई बात नहीं कहे, तो ये टॉयलेट इनको बाप बेटियों को बहुत, जब कोई काम होता है इंपॉर्टेंट पहले टॉयलेट जाते हैं, अंकल ये देखो कैसा लग रहा हूं, फर्स्ट क्लास एकदम, बढ़िया लग रही ड्रेस, तेरी कमर तो चौकी लचके लगी बेटा, ये उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, ये बताओ, ये बताओ, ओहो ये क्या है भाई, ये क्या है भाई,
राधिका मर्चेंट, राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट, राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी, हाँ अनंत अंबानी, राधिका, हाँ राधिका, राधिका बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर बेटा, मुझे नहीं लगे। ओके, लेकिन 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 ज्यादा सुंदर तो मैं लग रहा हूँ ना। खुद को देख देख के इतनी हंसी आ रही है। दोस्तों सच बताऊं, जब मैं रेडी हो रही थी ना, तब मेरे को भी नहीं पता था कि इतना भारी सामान पहनना है मेरे को। पहनने के बाद पता चल रहा है कि बेचारी जो लेडीज जिनकी शादियां वादियां होती हैं वो किस हिसाब से रहती हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में मामला है। और तो कुछ नहीं, बस मजा आया मुझे। ये मेकअप मैंने खुद किया है। हाँ भाई, कहाँ चल दिए? अरे घर पे जा रहा हूँ मैं, पार्टी करने। अरे नहीं नहीं, पार्टी क्यों करने जाऊँगा मैं, घर पे जा रहे हैं। हाँ ले चल, मम्मी से बात करता हूँ अभी, चल कर ले। आधे 15 मिनट में पहुंच जाएगा घर। हाँ 15-20 मिनट में। चल ठीक चल ठीक। यही था तो ज्वेलरी तो मैंने मंगवाई है। कोई बात नहीं, वो तो हम भी मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बात है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। चलो ये ठीक है। बड़े ही वाले क्या गले का बड़ा? अरे ये तो वो 2-4 जोड़ के बनवाया है मैंने, वैसा मिल ही नहीं रहा था भाई। कैसे जोड़ के बनवाया? अब जुड़वा दिया, वो मेरा काम है। अरे वाह भाई, तवर केस के ऊपर देखो तो सरिया। आपको तो हो गया फिर नंद उत्सव का काम? बोलो। हाँ हो गया। अरे नंद उत्सव का काम हो गया, वही वाला लहंगा ले ली। लो बढ़िया ना, हो गया आपका काम। ये नया वाला 18,000 रुपए का लहंगा है ये वाला। और क्या ये पहनेगी? हाँ नंदोत्सव में। पर ऐसे बोल रही, लुक रिवील कर दिया ना पहले। हाँ बोल रही थी अभी मैं तो लुक पहले। भाई जैसे तो सब बैठे रहते, कब आएंगी ज्योति जी हमें दिखाएंगी। अरे अच्छा है, अच्छा लगेगा, मम्मी सुंदर है बहुत। फिटिंग करवानी पड़ेगा। फिटिंग ही ऑलरेडी मेरे बड़ाई है, ये लंबाई में जो लंबाई भी बहुत ज्यादा है। बॉर्डर खुलवा के और पापा से करवा लूंगी, पापा कर देंगे। अब तो आपको सारे कलर ही अलग लगेंगे। देखो जिम करके आए तो यार, वो अंकल मिठाइयां इतनी खिलवा दी, अब जिम जाना पड़ेगा ही। अच्छी बात है ना, मिठाई खाने को मिलती है। नहीं नहीं, अब ज्यादा हो गई मिठाई यार, बहुत दिनों से। क्या साल, इतनी सी मिठाई खाओ जिसमें ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। मेरे बराबर बैठ, जब ज्यादा होती है मैं तो उसको भी ज्यादा नहीं मानता। यार एक्चुअली पता है क्या होता है, मजे मजे में अपन खाते रहते हैं, मस्ती मजे हो जाते हैं, लेकिन फिर गिल्ट होता है भयंकर वाला। वो हल्का सा पेट थोड़ा सा बाहर दिखता है ना, बहुत अजीब सा लगता है यार। मीठे से कभी पेट बाहर नहीं आता है। अभी मैं कोई नया नहीं खा रहा हूँ मीठा, मैं बहुत पहले से खा रहा हूँ हमेशा से आपका पेट। ये तो अब आया है, ये पिछले 1-1.5 साल से आया है। हमें चिकन स्लिम। ये लड़की है तो स्लिम। अरे मेरी बात सुन, पहले इतना स्लिम था, मेरा बिल्कुल लेवल में था ही हूँ, गुणिये में एकदम लेवल में था। लेकिन एब्स थोड़ी दिखते थे आपके, एब्स थोड़ी दिखते थे आपके। नहीं अब तो खाली एक ही ऐप्स दिख रहा है। ये तो पहले सारे ऐप्स दिखते थे। ये तो मीठे खाने के ऐप के चक्कर में ये ऐप दिख रहा है। हाँ पहले सारे ऐप्स दिखते थे, अब एक ही दिख रहा है। कोई नहीं, अब दाल बाटी और मिर्च के खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बानवन तो खा लिया। अरे हमारे पता है वो बन गया नया मंदिर नीचे, शिव जी का। शिव जी का सावन के लिए नीचे गेट के वो बड़ा सा जो रूम जैसा बन रहा था ना, अपन देखते थे क्या बन रहा है क्या बन रहा है, उससे मंदिर बन गया पूरा प्रॉपर। आज शायद पूजा पाठ हुई थी, अब कल से सब लोग जल चढ़ाएंगे, मूर्ति स्थापन हो गई, मतलब मंदिर बना दिया पूरा। अरे वायर का तो यार वो तो एक बार ना मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी पहले यार, पूजा पाठ वगैरह हो करके। हाँ जो भी हुआ होगा अपने को पता नहीं चला। आज मैंने भी व्रत किया, कल ने भी। पहनती एक ही बार है, दोबारा तो पहन सकता है। शादी का बेस इसमें दोबारा नहीं पहनना, एक ही बार पहनना इसमें, दोबारा पहनना ही नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप शेरवानी पहन के आया करो रोज। कौन आप? यार शेरवानी रोज पहनने की थोड़ी होती है, इनका भाई मेरे को भी चाहिए कि शेरवानी पहनूं मैं। घोड़ी भी चाहिए। हां मैं घोड़ी करवा दूंगा, इनकी शादी भी करवा दूंगा भाई। घोड़ी भी चाहिए जैसे और बॉयज भाई, जैसे मुझे स्टारबक्स के शेकर या शेकर्स कलेक्ट करने का शौक है, मेरी माँ को ज्वेलरी और कपड़े खरीद कलेक्ट करने का शौक है। देखा था ना सुबह कबर्ड के अंदर, तो अभी तो मेरी साड़ी और मेरे लहंगे और मेरी पोशाकों का लक्षण देखो तुम, वो नहीं देगा तुमने अभी लक्षण? देख रहे हैं ये लक्षण ठीक नहीं बिल्कुल भी।